हेलो गाइस, सभी का स्वागत है फास्ट गेमिंग के एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज हम दोबारा से देखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो भाई वीडियो और तक देखना एंड चैनल पर न्यू प्लीज सब्सक्राइब एंड यहां से बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते वीडियो एंड देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेगा इस देसी गेमर्स यानी कि अमित भाई के बारे में। अमित भाई जो है देसी आर्मी चैनल पे लाइव कर रहे थे एंड जब वहाँ पे लाइव कर रहे थे तब स्मार्टी एंड श्री वाइटी के साथ वो गेम खेलना चाहते थे, बट स्मार्टी एंड श्री वाइटी ऑनलाइन नहीं आ रहे थे। तब स्मार्टी के साथ एक प्रैंक कर देते हैं देसी गेमर्स। कैसा प्रैंक करते हैं आप देखो गाइस, मजा आएगा। तो चलो देखते हैं। अब मैं फोन करता हूँ स्मार्टी को और बोलता हूँ मेरे चैनल में 3 स्ट्राइक पड़ गए। स्मार्टी का रिएक्शन सुनते हैं। ठीक है स्मार्टी, SM स्मार्टी स्मार्टी को बोल रहा हूँ। ठीक है। हेलो। ओए। हाँ भाई। तुझे क्या स्पॉन्सर मिला है? मतलब? तेरे चैनल में लाइव चल रहा है ना कुछ बेटिंग का? कुछ मिला है क्या डील? हेलो। हेलो। हाँ बोल रहा है। हाँ। भाई कहाँ? अरे तेरे चैनल में कुछ लाइव चल रहा है बे, बेटिंग का कुछ? नहीं भाई कहाँ? देख ले, मेरे को लगा तूने कुछ डील वील मिला होगा क्या, पूछ रहा था इसलिए। लाइव पे हैक तो नहीं हो गया? इसकी फटी है, इसकी फटी है, इसकी फटने दो। इसका चैनल हैक हो गया बोल के डर हो गया पता है भाई। ऑनलाइन आ गया आराम को भाई, फट गया इस मैटिंग की लैपटॉप से आ गया हेलो भाई, लैपटॉप से गेम खोल के आ गया ये चैनल हैक का डर सुन के भाई। अरे मैं अब लैपटॉप चालू ही था, मैंने अब भी सर्च किया जस्ट भाई लैपटॉप खोल के आ गया इसमें। चले गए इस बढ़ते के लिए स्टोरी के अंदर। बात कर लेगा इस ज्ञान गेमिंग एंड प्रियंका के बारे में। ज्ञान गेमिंग एंड प्रियंका के बीच में अभी ब्रेकअप हो चुका है। वो ब्रेकअप सच में हुआ है कि नहीं, चलो प्रियंका के मुंह से आप सुनो। पता नहीं, ये मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, दैट्स व्हाई मैं बना रही हूं। सो मुझे कुछ दिनों से थोड़ी बहुत बैड कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारा डीएम आ रही है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, आई एम सिंगल, ठीक है? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ बात करना भी नहीं है कोई भी चीज़ में। सो सब लोग इंडिविजुअल पर्सन है, सबका खुद का खुद अलग अलग चॉइस होती है, ठीक है? तो मैं बस मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वही मतलब सब कुछ तो नहीं, लेकिन मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके लिए मुझे बहुत सारा बैड कमेंट्स आ रहे हैं वही मैं बताने जा रही हूँ कि आई एम सिंगल, मेरे साथ किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है। और मैं एक ही चीज़ मानती हूँ कि कोई रिलेशनशिप हो, कोई फ्रेंडशिप हो, व्हाटएवर जो भी हो, कुछ टॉक्सिक लेवल पे जाने के पहले अगर वो ख़त्म हो जाए ना तो वही अच्छा होता है। उसमें फ्रेंडशिप भी रहता है, उसमें रिस्पेक्ट भी रहता है, एंड पीसफुली सब कुछ ख़त्म करना अच्छा होता है। चलिए गाइस बढ़ते अगली स्टोरी के अंदर। बात की गई रिलैक्स आर्ट्स गेमर्स के बारे में। रिलैक्स आर्ट्स भाई ने कल एक विनी वाला वीडियो डाला था जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अपनी लाइफ टाइम में अर्निंग कितनी हुई थी यूट्यूब से एंड भाई का कितना अर्निंग हुआ। तो चलो देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे एक नहीं सभी सब्सक्राइबर्स का कि आखिर हर्ष भाई ने यूट्यूब से कितने रुपए छाप लिए, कितना पैसा कमाते हो यूट्यूब से? मैं नहीं बताऊंगा। अरे सबर करो, सब कुछ बताता हूँ मैं तुम लोगों को। दिखाऊंगा अपनी YouTube की लाइफ टाइम अर्निंग कि आखिर मैंने कितना रुपए कमाया YouTube से। देखो ये गया मैं रेवेन्यू पर एंड यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया लाइफ टाइम। अब तुम लोग खुद ही देख लो मैंने कितना रुपए कमाया YouTube से। चलिए गाइस बढ़ते अगली स्टोरी के अंदर। बात करेगा इस विंसाद गेमिंग के बारे में। विंसाद भाई जो है कल यूट्यूब पे लाइव कर रहे थे एंड जब वहाँ पे लाइव कर रहे थे तब एक प्लेयर आता है जो कि विंसाद भाई को जो साथ खेलने के लिए माँ की कसम देता है एंड विंसाद भाई को काफी गुस्सा आ जाता है उस प्लेयर पे। आगे भी विंसाद भाई क्या बोलते है आप देखो गाइस। क्या लोग है बे, सीधे बोल देता ना इज्जत से, ऐड करो मैं कर देता भाई। भाई माँ की कसम देने की क्या जरूरत है बे? बे गेम में माँ का क्यों जाया करते हो? वही बे, ये वही है ना, दो कोटी पढ़ ले, मैं बता रहा हूँ पढ़ लिख ले साले छपरी। ये तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है कुछ लोगों का भाई। कसमें क्यों देनी है बे माँ की? तुम कहाँ मेरी माँ को जान रहे हो और तुम माँ की कसमें दे रहे हो भाई? कुछ भी भाई, किसी भी हद तक गिर लो भाई। मैं ऐड करता हूँ ना रैंडमली सबको, तुमको कसम देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों अपनी इज्जत खराब कर रहे हो बे? जब गिव अवे होता है तब सबसे बड़ा गिव अवे कौन करता है विंसेंट भाई? तो तुमको ऐसे क्यों करना है? तुमको पता है तुम्हारी ना इज्जत पे आती है बात,
जो तुम ये लोग बोलते हो ना डायमंड्स वायमंड्स, और तुमको कोई यूट्यूबर बोलता है मैं नहीं दूंगा, तुमको लगता नहीं है तुम्हारी इज्जत पे बात आ रही है? पे सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपनी। जब गिव अवे होता है ना तब तुम्हारा भाई ना सबसे ज्यादा रिडीम कोड्स बांटता है, बट वो एक दिन होता है, फिर तुम अपनी भी रेस्पेक्ट रखो यार। हम लोग हमेशा सिखाते हैं भाई लोगों को इज्जत, अपनी पहले खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट रखो। माँ की कसम देने वाले लोग मेरे को पसंद नहीं है भाई, सॉरी, गुड गुड, इस बात पे मत दिया करो ना किसी को कसम, ये अच्छा नहीं लगता है ना भाई, ऐसे लगता है कि कितने इमैच्योर हो भाई, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ये। वो जो होते हैं ना वो चिंदी शॉर्ट्स क्रिएटर जो बोलते हैं कसम है लाइक करो शेयर करो वो हो जाएगा तुमसे कुछ नहीं होगा, कुछ भगवान फिरे बने फिर रहे होते, लाइक कर दो माँ की उम्र इतनी बढ़ जाएगी। अबे ससुरे चार दिन की चांदनी वाले इंसान अलग लोगे भाई। ओके तो गाइस बस यही थी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर दी है, एंड आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल न्यू प्लीज सब्सक्राइब करना। बाय गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय गाइस।